कि मैं जैसे खूब सारा तो आपके बारे में आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो आपकी नई बुक आ रही है, काफ़ी सारे सीक्रेट्स को वो अनवील कर रही है, तो थोड़ा हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि जो रियल लाइफ और रियल लाइफ का जो एजेंट्स हैं, जो हिडन एजेंट्स होते हैं, कितना है वो रहते हैं, स्टोरीज अलग होती है कि जो फिल्म्स में हम देख रहे हैं वही होती हैं। अगर हम बात करें, एक था टाइगर राजी जो हम लोगों ने देखी है, तो कितने ऐसे सीरियसली चैलेंजेस होते हैं। मैम देखिए, एक्चुअली क्या है, जितना भी हम लोग फिल्म में देख रहे हैं, चाहे एक था टाइगर जिंदा है, गाजी, या स्पाई के ऊपर नाम सवारा, कोई भी मूवीज बन रही है, तो फिल्म तो मैम देखिए कहीं ना कहीं अगर आप तो उसमें कहीं ना कहीं तो रियल से उठाया होगा, लेकिन नॉट 100% सर, मतलब 10% 20%। अगर आप अगर कोई भी मूवी देख रहे हो तो उसमें कभी हमारा हीरो हारता नहीं है, मैम सलमान को आपने कभी हारता हुआ नहीं देखा होगा, है ना। मतलब आप एक किसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, आप अपने LOC को क्रॉस करके जा रहे हैं, एक स्पाई अगर कभी भी दूसरे देश के अंदर जाता है, तो अगर आप अपने ही देश के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, आपके पास हेल्प के लिए सब कुछ है। देखिए आपके पास आर्मी का भी बैकअप है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो एयरफोर्स भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब भी कभी कोई स्पाई अगर अपनी LOC को क्रॉस करने के बाद जाता है, तो उसको पता है कि अगर कुछ भी हो गया तो मेरी गवर्नमेंट तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं उनका आदमी हूँ करके। तो जैसे फिल्म के अंदर हम लोग दिखाते हैं कि किसी देश के अंदर जाके मारना, लोगों को करना, तो इतना आसान नहीं है, है ना। अगर आप इसी जगह में, जिस जगह में हम बैठे भी हैं, अगर थोड़ा सा भी क्राइम करें तो हम इस एरिया, इस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप किसी देश के अंदर जाके अगर आप किसी आपके अपने एनिमी, किसी एनिमी को भी मारना है कुछ भी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत आसानी से उस देश से बाहर निकल जाएंगे। तो डिफेंस तो है मैम, वो सिर्फ लोगों के एक मतलब मनोरंजन के लिए बनाया है चीज़ों के लिए, और एक रियल लाइफ में धरती और आसमान का फर्क है कि मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हर आंखें आपको, दुनिया की जो भी आंखें दिख रही हैं तो वो एनिमी की हैं ना, तो आपको यही नहीं पता कि उनमें से आपको कौन सी आंखें देख रही हैं। अच्छा, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, आपने कहाँ से शुरुआत की और फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, और फिर आप ये एक अंडर कवर एजेंट के रोल आपने निभाए ओवर दीज मेनी इयर्स, तो एक बार उससे शुरू करके बताएं। मैं एक्चुअली देखिए क्या है, मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे ग्रैंडफादर भी 1971 वॉर के हीरो रहे, तो 1971 इंडो पाक वॉर में शहीद हुए थे, फादर भी मेरी आर्मी में ही, तो मुझे ये चीज़ भी कि मतलब मुझे जयपुर आने का मौका मिला, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर की पोस्टिंग हुआ करती थी, तो मैंने यहीं जयपुर से ही KV से ही पढ़ाई करी है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे मतलब उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर आपको हर परिवार में मतलब हर घर में एक आदमी इंडियन आर्मी में मिलेगा ही मिलेगा, हर परिवार में, अगर आप किसी भी फैमिली में जाओ तो हर घर का कोई ना कोई आर्मी में ही है। तो पहले से ही मतलब बचपन से ही सोच कि नहीं जाना आर्मी में, वो दिमाग में पहले ही सेट है कि भाई नहीं आर्मी में ही जाना है करके चीज़ है। तो जैसे लगभग 11th में मैंने KV में ही एडमिशन लिया था, तो उसके बाद फॉर्म उस टाइम स्पेशल फोर्स ने क्या किया था कि कुछ एक वैकेंसी निकाली जिनके ऑलरेडी जिनके बैकग्राउंड मतलब जिनके फादर या ग्रैंडफादर इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके, तो हमने सब लोगों के घर पर एक कॉलिंग भेजा था, एक फॉर्म भेजा था कि अगर आपके बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हों तो ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मेरे भी घर पर वो फॉर्म आया था मेरे ग्रैंडफादर और मेरे मतलब पापा की हिस्ट्री को देखते हुए, तो मैं भी ज्वाइनिंग करने के लिए गया, नॉर्मली गया, ऐसा कुछ नहीं था कि करना ही है करके, लेकिन थोड़ा सा घर से कुछ खर्चा भी मिल जाएगा जाने के लिए, तो कुछ सेविंग भी हो जाएगी करके, बस उसके पैसे बच गए, तो मैं भी चला गया ज्वाइनिंग करने के लिए। वहाँ पर जो भी उन्होंने मतलब लगभग पूरे इंडिया से उन्होंने बुला रखे था यार स्टेट वाइज, तो टोटल लगभग मेरा जो फॉर्म का नंबर था वो भी 1,40,000 के समथिंग था, तो मुझे समझ में आ गया था कि हर स्टेट को उन्होंने डिवाइड किया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने भी अपना जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे, उनका फिजिकल, उनका मेडिकल, उनके रिटर्न वगैरह कंप्लीट दिया, और देने के बाद वापस आ गया और वापस स्कूल चला गया, कुछ नहीं पता चीज़ें नहीं। तो विद इन 2-2.5 महीने के बाद आया कि नहीं आपको एक रीमेडिकल के लिए दोबारा आना है करके, फिर मुझे एक दूसरे स्टेट में बुलाया गया रीमेडिकल के लिए, तो मैं अपना दोबारा रीमेडिकल टेस्ट के लिए गया कि जो शायद 2-2.5 महीने पहले उन्होंने मेडिकल टेस्ट लिया है वो दोबारा शायद मेडिकल दोबारा लेना चाहते थे, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो देने के बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ करके, और जाने के बाद दोबारा अपना फिर भूल गए 2-3 महीने के बाद, फिर जब सडनली 3 महीने के बाद वहाँ से कॉलेज आता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया करके, और आप डेली रिपोर्ट करो। अब एकदम से शौक कि मतलब पहले तो सोचा खर्चे के लिए जा रहे हैं करके, अब एकदम से बहुत सारे प्लान करे हुए, मतलब 11th क्लास में सोच ही लो कि कितना बड़ा होगा, मतलब एक लड़का कि यार इस बार 11th क्लास में है, 10th में पढ़ाई करनी पड़ी, 11th में खेलेंगे, अब एकदम से जिनके साथ बचपन से पढ़े
मतलब बचपन से जिनके साथ पढ़ता है, सब कहते आप जाना है करके, पता नहीं कब इनको देखेंगे नहीं देखेंगे, है ना। अब दिल्ली गए, उसके दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मतलब 4 वीक के समथिंग मार रखा अपने पास, तो एक 0 वीक वगैरह चलाए। उसके बाद वो एक दूसरी कंट्री के अंदर लेकर गए, ले जाने के बाद 2-3 महीने पर वहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुआ। देन बाद में धीरे धीरे पता चला कि हम लोग एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर पहला परमवीर चक्र भी कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ सर को ही मिला है करके, तो और मैं खुद एक कुमाऊं से बिलोंग करता हूँ, तो कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत नाम है मतलब हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप कुमाऊं रेजिमेंट, अगर आप गढ़वाल राइफल का भी नाम देखोगे, मतलब हिंदुस्तान के अंदर विक्टोरिया क्रॉस लाने वाला दुनिया की छोटी सी उम्र में, वो भी गढ़वाल राइफल से। तो था कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है, लेकिन समय ये नहीं पता था कि मतलब कि स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के बाद एक अंडरकवर एजेंट बनना पड़ेगा। वो धीरे धीरे रास्ते खुलते गए और चीजें होते गई। तो आपका चॉइस था अंडरकवर एजेंट होना या फिर कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी उन्होंने आपको चुना? नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि अंडरकवर एजेंट होता है करके, कुछ नहीं पता था। मतलब शुरू में कि यार स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, एक अच्छा है करके, मतलब इंडियन आर्मी से भी अलग एक स्पेशल फोर्स हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर जैसे स्पेशल फोर्स के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तब वहाँ पता चला कि यार नहीं, यार बहुत सारे पार्ट्स करके इसके ऊपर भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पर स्टार्ट हो गया कि उस कॉम्पिटिशन में निकलना है, नहीं यार अब तो एक अंडरकवर पूरी दुनिया घूम लिया करके अंडरकवर एजेंट, मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता, लेकिन पता है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स है करके, अब उनमें सबसे आगे रहना है करके। देन अपने जो भी वहाँ के कॉम्पिटिशन, जो भी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में मेहनत करना, अपने हर एग्जाम को क्लियर करना, अपने मतलब मेडिकल जो भी फिजिकल्स है उसमें परफेक्ट आना, वहाँ पर मतलब आपका फिजिकल लेवल कम से कम 95% से ऊपर होना चाहिए, आपका नेविगेशन में आप एक्सपर्ट होना चाहिए, फायरिंग के अंदर आप बेस्ट होने चाहिए ताकि आप एक अंडरकवर एजेंट बन सकें, ठीक है। फिर अंडरकवर बनने का मतलब रीज़न भी ये था कि स्टार्टिंग में तो क्या था कि स्टार्टिंग में लगता है ड्रेस पहनना है, ये कुछ दिन के बाद ड्रेस भी लगता है, ड्रेस बड़ी बोर है करके, यार ये ड्रेस से कैसे, मतलब शुरू शुरू में ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, और फिर बाद में ड्रेस में ये रात भर तो पॉलिश करते रहो, चीज़ें करते रहो, बेल्ट ये आप यहाँ लगा नहीं, यार सिविल मतलब सिविल में अंडरकवर रहेंगे, क्योंकि दुनिया भर के वहाँ के इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, आपको एक आपका लेवल बहुत हाई लाने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े स्पाई के बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या इतिहास रचा करके। तो हर लड़के का वही सपना है कि यार नहीं, मैंने यही काम करना है करके, इस दुनिया में मेरा भी नाम होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार देखो वर्ल्ड में तो कितना हुआ कि मतलब सेना बहुत है दुनिया के अंदर, है ना, लेकिन आपको क्रीम बनना है दुनिया के अंदर, आपको मतलब वर्ल्ड में सबसे अलग बनना है। जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, दुनिया में कोई भी सेना जंग नहीं जीत सकती, तो आपको इन्फॉर्मेशन वो देनी है। तो फिर लगा कि नहीं, ये काम करना है। तो लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हैं, तो बहुत ऑपरेशन करे अपनी लाइफ में, तो कंटिन्यू काम करते करते मतलब हमारी लाइफ के अंदर दुनिया कहती है कि यार मेरी लाइफ में ऊपर नीचे चढ़ाव आए, तो मेरी लाइफ तो 100 में जाके 100 माइनस भी आई है, मतलब 0 में नहीं आई, 100 माइनस भी चली गई है, एक टाइम गले में फांसी का फंदा भी आ गया, ठीक है। तो चीज़ें लगा वो मतलब हर चीज़ देखी लाइफ के अंदर एक नॉर्मल विंडा भी देखा, तो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट भी देखा, है ना। अगर एक छोटा सा एक मतलब जो राजनीति में एक छोटा सा नेता भी देखा है, तो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बराक ओबामा के सर के साथ भी रहा, तो दुनिया में सब कुछ देखने को मिला। तो सब देखने के बाद लगा नहीं यार कुछ अलग करना है करके, तो मेरे सीनियर बोले यार भाई तुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो यही कर, तुझे कुछ आता तो है नहीं, तो क्या करेगा। बोले यार तेरे को एक काम है, तेरे को ऑपरेशन से दिक्कत हो रही है, फील्ड से दिक्कत हो रही है, तुझे हम पीस देते हैं करके। मैंने यार नहीं सर, पीस में भी क्या है, सुबह आपको रिपोर्ट देना, शाम को आपको रिपोर्ट देना, मतलब बात इस चीज़ की नहीं, ऑपरेशन से बात, मैं मेंटली फ्री होना चाहता हूँ, मुझे नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के आपको रिपोर्ट दूँ, सर ओके करके आपको 9 बजे आपको रिपोर्ट दूँ, सर मैं ओके, मुझे इस चीज़ से बचना है। तो वो मेरे को बोले यार तुझे कुछ नहीं आता, तो करेगा क्या इसके अलावा, ये बता। अब इस टाइम के अंदर जब भी मैंने अंडरकवर में रहा, तो जब मैं NSG में भी आया, तो मुझे कई पॉलिटिशियंस के साथ भी रहने को मौका मिला, साउथ के कई बड़े एक्टर्स भी मेरे टच में थे, तो उनसे बातें भी होती थी। तो यार मुझे इतना समझ में आ गया था कि जब मैं कभी कभी जब मैं NSG में आया, एक साल में NSG में रहा, तो मुझे फिल्म्स वगैरह देखने का बहुत मौका मिला, तो उनको देखकर मुझे ऐसे भी आती थी क्या कहानी बनाते हैं यार, क्या कहानी, ये कोई क्राइम है यार करके, क्योंकि क्राइम सब कुछ देख के भी आ गया था। मैंने जेल की लाइफ भी देख ली, 4 साल में
छह भाई छह के कमरे में भी रह लिया। कभी वो जेल की मूवी दिखाते तो हंसी आती, डिफेंस की मूवी दिखाते हंसी आती, स्पाइन उसको दिखाते तो भी यार हमने कहा इससे बेटर तो हम लिख सकते हैं करके। तो मैंने यार सोचा यार कि मैं जब A4 बनने के अंदर पूरा का पूरा हम एक ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं, उस ऑपरेशन में मैं छः छः महीने रह सकता हूँ तो इस कहानी भी लिख सकते हैं। और ऑपरेशन में तो एक बार आपने जो लिख दिया वो चेंज नहीं हो सकता, और कहानी तो ईजी है यार, 50 बार चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, ये कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, इसमें इमोशन नहीं आ रहा, तो मुझे इससे आसान काम कुछ नहीं लगा। और लोग बोलते हैं कि मैम कि राइटर या ऑथर, तो मैं ये कहूँगा मैम कि आपने जितनी दुनिया देखी आपने वही पेपर में उतारना है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप किसी राइटर से पूछो तो कि क्या है राइटिंग, अगर आपने ये दुनिया घूम ली तो आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। आपको पता है कि किसी इंसान को जब भूखा इंसान रोड के ऊपर होता है तो कैसा फील करता है, क्योंकि आप अपने आँख से देख के आए हो। आपको पता है कि कोई इंसान जब लास्ट टाइम में मरता है तो उसको क्या पेन होता है, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, अपने साथ वालों को भी देखा है। आप लाइफ के अंदर जब भी कोई आदमी चेंज होता है, नॉर्मल टेररिस्ट जब वेपन को डाउन करता है तो क्या फील करता है, तो सब कुछ देखा है। तो पेपर में उतारना था तो इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे, बहुत ईजी लाइफ लगी। ऐसा नहीं है कि एक राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रीन प्ले राइटर, तो मुझे बहुत उस लाइफ से बहुत ईजी लगा कि आप लिख रहे हो तो आपको खतरा भी नहीं है, मैम कोई रात को मारने भी नहीं आएगा, है ना। तो आप जैसे अंडरकवर जो एजेंट रहे वो आपके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ रहे थे? मैम ऑपरेशंस को बहुत सारे देशों में रहे, जैसे स्पेशली जो भी एक्चुअली क्या है जिन देशों के साथ भी UN के साथ जो भी हमारा मतलब कोऑर्डिनेट है इंडिया का, जैसे आप अगर कॉन्गो के अंदर लगा लें, आप सोमालिया में लगा लें, आप बांग्लादेश में लगा लें, आप श्रीलंका लगा लें, आप बलूच पर लगा लें, जहाँ भी मतलब इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि जिस देश के कुछ एक लोगों से हमारे देश को खतरा है या इन फ्यूचर में हमारे देश में दिक्कत आ सकती है, या ऐसे कोई देश जो भारत देश से मदद मांग रहे हैं, वहाँ की मतलब जनता को रियल में वहाँ की पब्लिक पीस चाहती है लेकिन वहाँ के कुछ एक एंटी एलिमेंट्स लोग हैं या वहाँ के टेररिज्म हैं जो पीस नहीं होने दे रहे हैं, तो उनके लिए मदद के लिए हम लोग जाते हैं ताकि उनको एक पीस दिया जा सके। और वहाँ पे आपने कौन से एक्टिंग मुखौटे आपने पहने, रोल्स आपने कौन से प्लेस करे? ऑपरेशंस भी दो टाइप के हैं मैम, एक तो क्या एक्चुअली मैं कोल्ड ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। इस ऑपरेशन में क्या है कि मुझे एक एनिमी का टारगेट मिलता है, जो मेरे सोर्सेज जो भी मेरे खुद के सोर्सेज हैं दुनिया के अंदर, हमारे वो टारगेट बताते हैं और उस टारगेट को एनिमेट खत्म करके हमें वापस आना होता है। ये तो एक ईजी है तो हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है मैम कि टारगेट इतना सेंसिटिव होता है कि हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि जिस इंफॉर्मेशन को हमारे को खुद को लानी पड़ेगी, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग नए कवर आईडीज में जाते हैं। अब वो कवर आईडीज चाहे डिपेंड करता है कि आप जैसे क्या सबसे ज़्यादा मेरे लिए आसानी है, मैं म्यांमार में ऑपरेशन करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नेपाल के अंदर नहीं होती, क्योंकि मैं मर्ज हो जाता हूँ वहीं के लोगों में। अरे अगर मैं किसी को भी बोलूँ यार मैं नेपाल महेंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ, मैं नाता हूँ करके, लोग इजली तरीके से विश्वास कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि जैसे अगर मुझे वही ऑपरेशन अगर कॉन्गो में करना हो, वही बलोच में करना हो, तो मैं अपने आप को बलोच नहीं बता सकता, तो मुझे वहाँ पर किसी न किसी आइडेंटिटी में जाना पड़ता है। अगर मैं वहाँ पर हो सकता है मैकेनिकल भी बनकर गया हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक जो मतलब इलेक्ट्रिक वगैरह का काम करने वाला वो भी बनकर गया हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ पर भी मतलब एक कंट्री में मैं गया जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, अगर कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही यहाँ पर मतलब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं करके, मतलब MSS की या ASI की एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैंने विद इन लगा लो 43 डेज तक एक झूला भी चलाया है, मतलब एक जो चार पहिए जो चार वाला झूला होता है जिसमें चार लोग बैठते हैं, तो वो भी चलाया है। और उससे भी एक अच्छी चीज़ कि मैं जिस देश का नाम तो नहीं लूँगा, उस देश से बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी देश के अंदर हर आदमी बुरा है, हर देश के अंदर हर आदमी बुरा नहीं होता, हर आदमी टेररिस्ट नहीं होता, हर आदमी पीस चाहता है, लेकिन कुछ एक लोग हैं दुनिया के अंदर जो शांति नहीं चाहते अपने निजी फायदे के लिए। तो जिस देश से हम लोग नफरत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी देश के बहुत गरीब आदमी ने मतलब मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही लोअर क्लास मतलब बहुत गरीब व्यक्ति जिसके लिए मतलब 10 रुपये में बहुत मायने होते थे, मतलब एक एक रुपए करके उसने जोड़े, उस आदमी ने मेरी मदद के लिए मुझे 33 रुपीज दिए, एक एक रुपए के कॉइन मतलब। और लास्ट में मेरा मन था कि मैं उसके पैसे उसको लौटाऊं, मैं उसके घर तक भी गया, जब मैं पहली बार उसने मुझे रहने के लिए भी जगह दी 3 दिन अपने घर के अंदर, उसका घर इतना सा था कि अगर हम लोग 5 लोग सो जाएं तो छठा आदमी सो नहीं पाएगा जमीन में, बहुत छोटा सा घर। और जब मैं वापस अपने देश आने लगा तो मैं चाहता था कि यार मुझे उसका एहसान चुकाने है करके, मैं उसके घर को नहीं ढूंढ पाया, मैंने बहुत कोशिश करी, वो इतनी गलियों के अंदर इतने छोटे जगह में उसका बस्ती थी, क्योंकि मैं रिस्क भी ज़्यादा नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने फिर भी
एक आध घंटे उसको घर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज भी एक लाइफ के अंदर वो आदमी मुझे याद है कि जिस आदमी ने मुझे 33 रुपीज की मदद करी थी एक बार। तो आपने एक तो अपनी ये जर्नी के बारे में बताया जो हम लोगों के लिए बड़ी रोमांचक है, और उसके साथ में एक दूसरा रोल यहाँ पे जहाँ आप अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी छुपा के जी रहे हैं, दूसरा रोल जहाँ पे आप नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने पॉपुलर नेता के एनएसजी पर्सनल पीएसजी की तरह से आपने करा, या जैसे आपने कहा बराक ओबामा को भी आपको मिलने का मौका मिला, जहाँ आप एकदम सोशल स्पेस में है, पब्लिक डोमेन में है, तो उन चैलेंज वहाँ क्या चैलेंजेस थे और कितना आसान था या कितना मुश्किल था? एक्चुअली क्या होता है मैम, देखिए कोई भी हमारे देश के कोई भी वीआईपी हो या वीवीआईपी हो इस देश में, देखो सिक्योरिटी उनका जितना आसान नजर आ रही है उतना हमको है नहीं। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो देखते हैं, अगर आप टेलीविजन में देखते हैं या कोई भी वीआईपी होता है, उसके बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा कि कितने रिंग्स के अंदर वो लोग चलते हैं, उनके सिक्योरिटी के कितने जोन होते हैं करके। लेकिन मैं जिस इनर सिक्योरिटी के अंदर कर रहा था, सबसे प्राइमरी टास्क था एनएसजी का प्राइमरी टास्क, जहाँ पर मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेरा काम था कि जब भी नरेंद्र मोदी जी अपने घर से निकलते हैं, सीएम हाउस से निकलते हैं, उस टाइम गुजरात के सीएम थे, उनके घर के अंदर दोबारा तक छोड़ने की जिम्मेदारी, मतलब वो एक बार ही अपने घर से आएंगे, उनका प्रोग्राम चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, दोबारा उनके घर तक उनको छोड़ने की जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है मैम, देखिए कि जब भी हम किसी वीआईपी के साथ चलते हैं, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड या पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वीआईपी से हर आदमी मिलना चाहता है, हर आदमी चाहता है उनसे मिले, उनके एमपीज भी चाहते हैं, उनके एमएलए भी चाहते हैं, और लेकिन वीआईपी भी चाहते हैं कि मैं वो लोग मिले। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है मैम कि बहुत लोग हैं, नहीं पता कौन लोग क्या है करके वहाँ पर, मतलब बोलते हैं कि नहीं अगर मोदी सर भी बोलते नहीं मिलने दो करके, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि सर आप मिलना चाहते हैं, आप चीज़ अच्छी है, आप चाहते हैं पब्लिक से मिलना, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता। हमारे को इस कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है दोनों को मैनेज करना है, मैनेज करना सर को भी नाराज नहीं करना और उस पब्लिक को भी नाराज नहीं करना करके। अब आप कैसे दोनों को मतलब मैनेज करके चलोगे, ये सबसे मुश्किल आता है मैम, क्योंकि एक आदमी दो तीन घंटे से वेट कर रहा है और वो फ्लावर लेके आया है, कोई कुछ बनाकर लेकर आया है, अब मुझे नहीं पता यार उसके फ्लावर के अंदर क्या है, या वो जो देना चाह रहा है गिफ्ट क्या है, उसकी बॉडी में क्या है। मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आदमी गलत हो, मतलब 99% आदमी सही है, लेकिन 1% आदमी गलत भी है, उस 1% को पहचानना उसमें से वो सबसे टफ है। नहीं मैम एक्चुअली क्या होता है, एक बार ही क्या हुआ, मैं मोदी साहब के साथ तो नहीं था, मैं चंद्रबाबू नायडू सर के साथ था, और मैं वहाँ मतलब एक जगह अनंतपुर पड़ती है, एक जगह अनंतपुर में गया हुआ था सर के साथ, उनके कुछ रैली इलेक्शंस के चल रहे थे, तो मैंने देखा कि रैली में लगभग एक लड़का मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है, यार मैंने उसको दो बार देखा तो उसको मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है करके, मैंने कहा, मैंने बाजू बाजू देखा, मैंने कहा मैं स्टेज पर सर के साथ मैं ही खड़ा हूँ, वो कंटिन्यू मुझे देख रहा है करके, बहुत भीड़ में था, लेकिन उसकी आंखें मुझे समझ में आ गई, एज ज़्यादा नहीं थी उसकी, 22-23 साल का एक लड़का था। चलो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ से अनंतपुर से हम लगभग एक अगला प्रोग्राम था, और कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर जाने के बाद, 12-13 किलोमीटर दूर जाने के बाद वहाँ से रैली चल रही है चंद्रबाबू नायडू सर की, मुझे भीड़ में वही चेहरा दिख गया, मैं शौक हो गया है, हम लोग क्यों गाड़ियों से आए सबके सब, और हमारे लिए रोड क्लियर थी, रोड सारी रोड क्लियर होने के बाद मैंने कहा कि हम यहाँ पहुँच गए, ये भीड़ में सेम लड़का वापस आ गया, मुझे डाउट हुआ। तो देन मैंने अपनी टीम को बोला, जो भी उनकी क्या कहते हैं उस टाइम तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश की जो क्रूड प्रोटेक्शन टीम थी उनके जो ऑफिसर्स थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर एक मिनट वेट करो करके, मुझे कुछ लग रहा है डाउट, तो बोले ठीक है वो लोग आए। तो मैं धीरे वो लड़का कंटिन्यू देख रहा था, लेकिन मैं पीछे की साइड गया, पीछे की साइड जाने के बाद आए, और मैं जाने के बाद दो के साथ उसको गन पॉइंट में ले गया, मैंने बाहर निकल करके, है ना भीड़ में। अब भीड़ में दिक्कत ये थी कि ना तो भीड़ में अभी एक्चुअली मुझे सिर्फ शक है उसके ऊपर, है कुछ भी नहीं, मुझे उस पर से शक था, मैंने कहा हिलेगा कर दूंगा करके ठीक है, और मैं उसको भीड़ से धीरे धीरे लेकर आया, लेकर साइड में आने के बाद एंड अप किया, मैंने कौन है बता करके चीज़ है ना। तो उसको हिंदी थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन फिर भी बोला सर कि मैंने कहा कि वहाँ भी देखा क्या है इरादे, चेकिंग करी, बोला नहीं सर कि मुझे एक्चुअली में आप जैसा बनना है, मैंने भी एनएसजी ज्वाइन करनी है, प्लीज मुझे ये बताओ कि कैसे होगा, मैं ये यहाँ तक अरे क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि वो मतलब वो देख रहा था कि मुझे सर इस ड्रेस से बहुत प्यार है और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ करके। वो बोला मैं सर के लिए नहीं आया, मुझे एनएसजी ज्वाइन करनी है ठीक है। तो लगा यार कि चलो, मैंने कहा सॉरी कोई नहीं, तो कभी कभी चीजें होती हैं ऐसा। ये जो भी रोल इतने आपने डाइवर्स जो निभाए हैं, इसमें जैसे आपकी जो फैमिली है उनका सपोर्ट सिस्टम, या उनके लिए कितना एक इस डर को एक्सेप्ट कर पाना कि हमारा बच्चा कहाँ है हमें पता ही नहीं है, आप उनको
आई एम श्योर बहुत कई महीने निकल जाते होंगे जब आप उनको बता पाते होंगे या नहीं बता पाते होंगे कि मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, तो उनके लिए उनके घर के लिए ये जो रोल्स आप लोग निभाते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है? मैम देखिए एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं ही मतलब मैं यही जनरेशन मेरी ये काम कर रही है, तो एक्चुअली मेरे ग्रैंड फादर ने भी मतलब मैंने कहा 1971 के वॉर में शहीद हुए, तो उनको उन्होंने मेरे ग्रैंड फादर शहीद होने के बाद भी मतलब मेरी दादी ने चाहा कि मेरे फादर आर्मी ज्वाइन करें, है ना मैम, तो वो चाहते तो बोलते नहीं यार कि नहीं करेंगे करके, भाई मैंने मतलब अपने मतलब मेरे ग्रैंड फादर को खोया है करके, मेरी दादी ने मतलब उनके पति को खोया है, तो देन तब भी उन्होंने मेरे फादर को आर्मी ज्वाइन कराई मैम, है ना, और देन तो घर में परिवार में ऐसा नहीं है, सपोर्ट है उनका कि उनको ये नहीं लगता कि नहीं यार मैं कंट्री के लिए गया है, मैं देश के लिए गया है, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं हूँ इस देश में जो ये काम कर रहा हूँ, हजारों माएँ हैं जिन्होंने अपना बेटे को दिया है मैम, है ना, तो होता तो है कि अपने घरों से दूर है कि भी जा रहे हैं वापस आएंगे नहीं आएंगे, दिक्कत है कि चलो अपनी कंट्री में है तो कोई नहीं, हम नहीं आएंगे हमारी बॉडी आ जाएगी, लेकिन दिक्कत होती है जब भी आप एलओसी क्रॉस करते हैं वहां पर आपकी बॉडी भी नहीं आती, वो सबसे मुश्किल वक्त होता है कि मतलब कई बार सोचते हैं, कई बार जैसे बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर, जब हम लोग कभी मेरे दोस्त हम लोग कभी किसी दूसरे कंट्री में रहे जब बहुत ही ज्यादा परेशान मतलब कई बार होता है, देखो हमेशा जीतेगा नहीं आदमी, कभी निराश भी होगा, चीजें भी होंगी, जब हम हालात देखते हैं कई बार चीजें देखते हैं तो कई बार लगता है यार सर देखो यहाँ है और यहाँ से बॉडी भी नहीं जाएगी, घर वाले जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे करके, क्योंकि क्या होता है अगर किसी के परिवार का कोई बच्चा मर जाता है तो यार उनको लगता तो है उम्मीद है चलो मर गया, कुछ दिन वो दुख रहते हैं लेकिन धीरे 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 वक्त भुला देते हैं, लेकिन जिसका मिसिंग हो गया उसको आखिरी सांस तक उम्मीद होती है, वो कभी लौटे वो ज्यादा पेनफुल होता है, तो उस घड़ी में जब भी आप मतलब आप एक अंडरकवर बनकर बाहर जाते हैं तो परिवार से ज्यादा आपको दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है कि मैं बाहर हूँ, आप अपने परिवार को नहीं बताते कि मैं बाहर हूँ, आप अपने घर वालों को बोल देते हो कि यार मम्मी मैं इस टाइम क्या कहते हैं जम्मू में पोस्टिंग हूँ या मुंबई में पोस्टिंग हूँ, है ना, तो जब भी घर वालों को बात करनी होती है तो घर वालों को उस टाइम क्या होता है सिग्नल के थ्रू बोल देते हैं कि मैं इस एरिया के अंदर ना नेट वगैरह नहीं पकड़ते तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगा करके, तो जब तक एलओसी क्रॉस नहीं करते तो तब तक तो मुश्किल रहता ही है। अच्छा, तो एक जो मेरे ख्याल से लास्ट सवाल कर सकते हैं कि ये जो आपके रोल्स रहे एक कमांडो ट्रेनिंग का, फिर उसके बाद में अंडरकवर एजेंट्स दुनिया भर में, और फिर उसके बाद में पीएसजी का, और अब एक एंटरप्रेन्योर, आप अपने बिल्कुल आप स्वच्छ अब स्वतंत्र हैं, आप अपने ऑथर हैं, एक कोरा कागज है जहां पे आप कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है ये कितनी मददगार है आपको एक अच्छा राइटर ऑथर या अपना एक खुद का नाम एस्टैब्लिश करने में, और कितना चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको पता है सिविल सोसाइटी है जहां इतने ज्यादा हम लोग इनडिसिप्लिन हैं, टाइम को फॉलो नहीं करना है या बहुत सारे, और आपको पता ही है कि लिबर्टी सिविल सोसाइटी लेती है जो एक कमांडो या आर्मी ऑफिसर को नहीं होता, उनके लिए बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, लोग भी अलग होंगे ना यहाँ के और वहाँ के, बहुत ही डिफरेंट है। देखो एक्चुअली क्या है कि मेरे एक सीनियर है मैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब मैंने एजेंसी छोड़ी तो मेरे सीनियर ने बहुत कोशिश करी, कम से कम 8 महीने तक कोशिश करते रहे वो कि मैं ना छोड़ू करके, हर तरह से उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बोला तुझे मुंबई जाना है मैं तुझे मुंबई पोस्टिट करता हूँ करके, तुझे आईबी के साथ अटैच करता हूँ, तुझे दिल्ली रहना है तुझे दिल्ली अटैच करता हूँ, बोला तुझे नैनीताल जाना है तुझे नैनीताल अटैच कर देता हूँ मैं। जब मैंने मन बना ही लिया था नहीं यार मुझे सर मैं अपने लिए काम करना है करके मैंने, तो एक दिन मेरे सीनियर ने मुझसे रिजाइन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो देन ये बात है 21 फरवरी 2019 की, तो उन्होंने 22 तारीख को मुझे डिनर में बुलाया मेरे सीनियर ने, और डिनर में हम लोग मेरे सर की मैं डिनर कर रहा था, तो मेरे सर बोले मुझे डिनर करने के बाद बोला देख मैंने तेरा रिजाइन अभी भी नहीं भेजा, वो अभी मेरे चेयर पर रखा हुआ है, मैंने उसे झूठ बोला था कल मैंने दिल्ली भेज दिया तो तू अभी भी सोच ले, तो फिर मैं इरादा बना लिया था मैंने, तो फिर धीरे धीरे वर्क किया, मुंबई आया, मुंबई आने के बाद ज़्यादा मैम एक्चुअली क्या जितना भी जो लिखने में जो मेरी हेल्प करी सब इसी ने करी, मैं सब इसी ने करी क्योंकि प्रॉब्लम नहीं थी, क्राइम दिख रहा था दुनिया का, सारा क्राइम देख कर आ गया, सारा टेररिज्म देख कर आया, सारे पॉलिटिशियन देख लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते करके, तो सब कुछ देख के वो पेपर में उतारा, तो अभी जो भी इंडस्ट्री में जो भी डायरेक्टर हैं जो भी प्रोड्यूसर हैं वो एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं,
जहाँ भी जा रहा हूँ तो उनके पास कोई ना कोई कहानी लॉक हो रही है। एक अच्छी चीज़ है कि मुझे टाइम नहीं लगा, हर लोगों ने एक अच्छा रिस्पांस दिया, जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी बड़े डायरेक्टर है। और सबसे पहले तो क्या, जब भी कोई लोग सुनते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि यार नहीं आ रहे, एक एजेंट एक स्पाई आ रहे हो, तो पहले सोच के रखते हैं यार कैसा होगा, कैसा होगा, मतलब ऐसा उनको लगता है कोई चिड़िया घर से कोई जानवर आ जाता है तो उसको देखने के लिए चार लोग और आके रखते हैं वो चीज़ें। तो हेल्प हुई मैं जितना भी, मतलब कि जो भी मेरी, ये नहीं है कि विद इन दो साल के अंदर मेरी तीन चार कहानियाँ लॉक हुई, दो तीन वेब सीरीज लॉक हुई या हुआ, तो ये पूरी जर्नी हुई जो भी अपने 16-17 साल की जर्नी रही, तो ये उसी का फल है। तो एक दिन मेरे सीनियर ने मुझे बोला, तो मैं सर को बोल रहा था कि सर एक मेरे एक मूवी मेरी जस्ट अभी एक रिलायंस के साथ हो गई, एक मैं नेटफ्लिक्स के साथ कर रहा हूँ। तो एक दिन मेरे को बोले यार एक बात बता, बोला भाई कि 34 साल में बोला दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर पैरामाउंट ने तेरी बुक पब्लिश कर दी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर ने तेरे ऊपर बुक लिख दी, बोला 2024 की तेरी सबसे बड़ी बायोपिक आ रही है, क्या मांग रहा है उस भगवान से, आप जाके कुछ और कर लेकर के, है ना। बोला लोगों को 100 साल लग जाते हैं, बोला लोग मर जाते हैं तब लोगों के ऊपर कोई बुक लिखते हैं, उनके ऊपर पिक्चर बनती है। बोला आप एक काम कर, बहुत हो गया, रेस्ट कर ले जाकर। तो मुझे लगा यार हाँ यार, मत ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं करके कि मतलब कभी मतलब कि एक जो मतलब दुनिया का जिनकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, टाइटैनिक जिनकी देख रहे हैं, मिशन इम्पॉसिबल जिनकी देख रहे हैं, वो पैरामाउंट आपके ऊपर बुक भी लिख रहे हैं, और जिन जिनके एक बुक के एक पन्ने पर गंगूबाई जैसी पिक्चर बन रही है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्राइम राइटर सबसे बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने आपकी लाइफ के ऊपर पूरी बुक लिख दी। तो लगा नहीं यार ईश्वर ने, अगर आपने बुरा वक्त देखा तो ईश्वर ने उसको उतना दिया भी, तो लगा कि नहीं यार मतलब ईश्वर ने जितना मैंने माना उससे हजारों गुना ज़्यादा दिया है। नहीं अभी लिख ही रहा हूँ मैं, कंटिन्यू लिखना है, बहुत सारी मूवीज लिखनी है, बहुत सारी वेब सीरीज लिखनी है, और नेक्स्ट ईयर में एज ए डायरेक्शन में डेब्यू भी करना है, एज ए डायरेक्ट करना है नेक्स्ट ईयर। तो थैंक यू सो मच लकी जी जयपुर आने का, आपने स्कूलिंग यहाँ से करी, ये जान के भी बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आपकी जो अभी आपने हमसे बहुत कम स्टोरीज शेयर कर पाए तो जो और हमारे एक्साइटिंग थ्रिलिंग स्टोरीज जो हम सुनना चाहते हैं वो आपके माध्यम से हम सिनेमा पे देखें, बुक्स में रीड करें, और आपको बार बार मिलते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, मुझे मतलब अच्छा लगा कि मैं उसी जगह पर आया हूँ, मतलब जहाँ से मैंने बेसिक मतलब स्कूल फर्स्ट क्लास से लेकर जहाँ से स्कूल पढ़ा हुआ है मैम, मुझे दोबारा इसी धरती पर आने का मौका मिला। मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगे। थैंक यू मैम।